गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी के अलावा अगर कोई बड़ा कारण है तो वह है चुनाव को बाहरी बनाम भीती करने की भाजपा की कामयाब लड़ने की। साथ ही भाजपा ने गुजरात मॉडल के रूप में हिंदुत्व और विकास का एक ऐसा पैकेज लोगों को दिया कि वोट देने वाले आधे से अधिक लोगों ने सिर्फ कमल का ही बटन दबाया। आपने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की बजाय सीधे कांग्रेस के वोट को दो भागों में विभक्त कर दिया। इस कारण से भाजपा ने गुजरात में सीट और वोट दोनों का एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर पाई। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज के इस वीडियो में हम इस रिजल्ट से उठने वाले 8 सवालों के जरिए समझते हैं कि गुजरात चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का मुख्य क्या कारण रहा और साथ ही भविष्य की राजनीति को कि यह चुनाव कितना और कैसे प्रभावित करेगा। भाजपा की ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो इसका जवाब है मोदी की लहर नहीं सुनामी। इसका मुख्य कारण रहा लोगों में बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा। कांग्रेस कोई लोकल चेहरा खड़ा नहीं कर पाई और आप अरविंद केजरीवाल के फेस पर ही गुजरात गई। इसलिए पिछली बार से कम वोटिंग के बावजूद भी भाजपा को ऐतिहासिक वोट 52.5% और 157 सीटें मिली। क्या मोदी के दम पर इतनी बड़ी जीत संभव है? 2014 में मोदी पीएम बने। गुजराती आज भी इन्हें मानते हैं कि मोदी गुजरात में ही है और उन्हें वह अपने प्राइड से जोड़कर देखता है। गुजरातियों को लगता है कि मोदी ने गुजरात में आकर कह दिया तो अब इसके बाद किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मोदी ने अहमदाबाद में सबसे लंबा 54 किलोमीटर का रोड शो और इसके अलावा 3 और रोड शो और साथ ही 31 सभाएं की। 95% इलाकों में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह जीत सिर्फ मोदी के दम पर ही है। भाजपा की सबसे बड़ी राजनीति क्या है? हिंदुत्व और विकास का पैकेज। हम जानते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से ही शुरू हुई थी। 2002 के गोधरा दंगों के बाद भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर 127 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिति की शुरुआत हुई, विकास का नया गुजरात मॉडल बन गया, फिर राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का खात्मा। गुजरात में आपका दिल्ली मॉडल क्यों नहीं चला? तो इसका जवाब है आपके दिल्ली मॉडल का मुख्य हिस्सा है मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज और फ्री शिक्षा। गुजरातियों को भाजपा यह समझाने में कामयाब रही कि उन्हें मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भाजपा ने दिल्ली मॉडल के मुकाबले गुजरात मॉडल की वकालत की और इसे गुजरात प्राइड से जोड़ दिया, यानी गुजरात मॉडल को गुजरातियों का मॉडल बना दिया। क्या आपकी पूरी रणनीति फेल हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी रणनीति का मुख्य हिस्सा था कि गुजरात में चुनाव के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना। करीब 13% वोट मिलने के साथ उसे यह दर्जा हासिल हो जाएगा। सवाल है, आपके लड़ने से किसे फायदा या किसे नुकसान हुआ? आपको बता दें कि 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 41% था, जो कि अब घटकर मात्र 28% रह गया है। उसके 13% वोट कम हो गए हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को 13% वोट ही मिले हैं, यानी पहली नजर में स्पष्ट होता है कि भाजपा के खिलाफ वाले 41% वोट ही दो भागों में विभक्त हो गए हैं। अगर आप नहीं आती तो क्या भाजपा की सरकार नहीं बनती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। भाजपा को ऐतिहासिक 53% वोट मिले हैं। ऐसे में सारे विपक्षी वोट किसी एक पार्टी को भी मिलते हैं तो भाजपा को सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, वोट शेयर और सीट में कमी जरूर आती। 2017 में भाजपा का वोट शेयर 49% था, जो कि अब बढ़कर 53% हो गया है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती क्या की? कांग्रेस ने पहले दिन से ही यह रणनीति अपना ली थी कि गांधी परिवार के सदस्य गुजरात के चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। राहुल गांधी ने भी एक दिन में सिर्फ 2 ही सभाएं की थी। स्थानीय नेता और लोकल का प्रचार कांग्रेस की रणनीति थी, लेकिन यह पूरी तरह गलत साबित हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जो कि उसका गढ़ माना जाता था। गुजरात चुनाव से देश की राजनीति पर क्या असर होगा? तो इसका जवाब है गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए चुनाव से एक साल पहले ही सारे मंत्रियों और मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था, जिसका असर रिजल्ट में ऐतिहासिक जीत के रूप में दिखा। ऐसे में अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव समेत भाजपा शासित राज्य में यह प्रयोग देखने को मिल सकता है। साथ ही मोदी शाह की जोड़ी पर देश और भाजपा का विश्वास बढ़ा है। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।